हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। इसको आप स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। ये बहुत ही छोटा छोटा डिजाइन है और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, एक साइड में पट्टी रखिए और जैकेट में डाल दीजिए। अब इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी बताऊँगी। वन फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो आप इस प्रकार से डालिए। फर्स्ट रो बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह से बना लीजिए, पूरी रो सीधा सीधा। दो ही सिलाइयों का डिजाइन है और गैप के लिए आप दो सिलाई, चार सिलाई जितना रखना चाहें रख सकते हैं। ये मैं गैप के लिए बना रही हूँ। पहले हम दो सिलाई सीधा बनाएंगे, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। यहाँ पर हमने बटन पट्टी रखी है, फाइव फंदे बटन पट्टी के हैं जो इस प्रकार से उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। पीछे धागा किया और इस फंदे को बुन दीजिए। रॉन्ग साइड से बनाते समय इस फंदे को स्लिप कीजिए, फिर आपकी चेन बहुत ही सुंदर इस प्रकार से आएगी और पूरा उल्टी सिलाई इसी प्रकार से बनाएगी। एक सीधी सिलाई बनाई और दूसरी साइड से उल्टी सिलाई बनाई। ये दो सिलाई का गैप रखा है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड से कैसे करेंगे ये देखिए आप। ये टू रो हमने सिंपल डाली। अब डिजाइन के लिए, अब डिजाइन के लिए कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए, ये दो फंदे हम सीधा बुनेंगे ऐसे, ये सिंपल सीधे बुने। अब ये दो फंदे लेंगे एक साथ, इस दूसरे फंदे के आगे की साइड से यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और इस प्रकार से एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। अब इस फंदे को इसी तरह से रहने देंगे और इन दो फंदों को बुन लेंगे ऐसे, एक एक करके दोनों को बुनेंगे। अब इस एक्स्ट्रा फंदे को ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये देखिए। अब टू फंदे फिर से सीधे बुनिए। टू फंदे सीधे बुनने के बाद टू फंदे फिर लीजिए ऐसे और इस प्रकार से एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए। अब इन दोनों फंदों को सीधा बुनिए और इस फंदे को गिरा दिए ऊपर से। दो फंदे फिर से सीधे बुनिए। अब फिर लेंगे दो फंदे हम, पूरी सिलाई हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। ये दो फंदे ऐसे सिंपल बुन लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए, दो फंदे बुने। अब फिर से ऐसे ही और इस फंदे को ऊपर से लीजिए। दो फंदे सिंपल बुनिए, फिर इस फंदे को इस प्रकार से बुनिए।
ये देखिए इस फंदे को उठाया और ऊपर से डाल दीजिए। फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे दो फंदे हैं, ये देखिए ऐसे बुना और इसके ऊपर से गिरा दिया। अब ये लास्ट वाला फंदा बच गया, इसको हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा लास्ट में और एक फंदा हमने जब शुरू किया डिन सिलाई तब, ये दो फंदे अलग अलग बुनने हैं, इससे हमारी डिब्बी कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे पट्टी बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, पीछे धागा किया और इस फंदे को ऐसे बुन लीजिए। अब रॉन्ग साइड से देखिए कैसे करना है। इस फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, ये फोर फंदे हम सीधा बुनेंगे, उल्टी सिलाई है तो उल्टा बुना। आप बॉर्डर बनाना चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर भी बना सकते हैं। मैंने उल्टे उल्टे फंदे रखे हैं तो उल्टी पट्टी बनेगी। अब ये देखिए ये सिंपल फंदा है और ये जो डिब्बी हमने बनाई थी उसका फंदा है। अब इस फंदे को इस प्रकार से बदल लीजिए, रॉन्ग साइड से बदलना है तो आप इस प्रकार से लीजिए, आगे वाले फंदे को बीच में ले जाइए और बीच वाले फंदे को आगे ले आइए। अब इस फंदे को बुनेंगे वैसे ही, ये दो फंदे चेंज करने हैं, ये डिब्बी वाला भी और जो फंदा हमने सीधा बुना था ये भी। अब इसमें से चेंज हमारे यहीं पर हो जाएगा। पहले हम पीछे वाले फंदे को बुन लेंगे ऐसे और फिर डिब्बी वाले फंदे को बुन लेंगे ऐसे, ये देखिए। अब फिर ऐसे ही पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, ये सेकंड वाला फंदा है तो इसको पहले हम आगे की साइड से लेंगे ऐसे, निकाल लीजिए और फिर इस तरह से चेंज कर लीजिए। पहले इस फंदे को ले लेंगे और ऊपर से इस सिंपल फंदे को ले लेंगे, इसको भी आप निकाल कर चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे लीजिए और इसको ऐसे लीजिए। आप सिलाई में करना चाहें तो सिलाई में कर सकते हैं और ऐसे ही निकाल कर करना चाहें तो निकाल कर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पहले बीच वाला ले लिया और ये आगे वाला पीछे ले लिया। अब इस फंदे को इसके ऊपर रखें और एक एक करके बुन लें ऐसे। अभी पीछे वाले को पहले ले लेंगे और आगे वाले को बाद में लेते हैं। ये देखिए ऐसे किया और इसको ऐसे कर ले। डिब्बी वाले फंदे को आगे की साइड से ले ली और जो सीधा फंदा है सिंपल उसको पीछे की साइड से, ये देखिए पूरी सिलाई हमें इसी प्रकार से चेंज करनी है। ये सिर्फ यही दो सिलाइयाँ डिजाइन की है और बाकी आप गैप के लिए जितना सिलाई रखना चाहिए रख सकते हैं। बिना गैप के भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं, ये देखिए। एक एक फंदा हमने आगे पीछे जो सिंपल लिया है उससे हमारा पूरा डिजाइन सेट हो जाता है इस प्रकार।
ये देखिए पूरा डिजाइन दो ही सिलाइयों में कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम टू रो सिंपल बुने, ये टू रो इसके ऊपर फिर से सिंपल बुननी है, डिजाइन नहीं डालना है, ऐसे सिंपल बुननी है। एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। अब दो सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लें फिर आपको बताते हैं। ये देखिए हमने एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से टू रो कंप्लीट कर ली। अब इसके ऊपर फिर से ये डिब्बियाँ बनाएंगे, लेकिन हम लाइन चेंज कर देंगे। अगर आपको इसी प्रकार से लाइन बनानी है तो आप यहीं पर ये दो फंदे सिंपल बुनिए और इसी के ऊपर डिब्बी बनाइए, लेकिन हमने लाइन चेंज की है तो हम जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट मिले इस फंदे पर डिब्बी बनाएंगे। ये फोर फंदे हम सिंपल बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फंदा है और एक फंदे से हमारी डिब्बी नहीं बनेगी, इसलिए हम टू फंदे ये और टू फंदे ये सिंपल, ये फोर फंदे सिंपल बुनेंगे। अब यहाँ से एक फंदे से डिब्बी नहीं बनती तो एक फंदे से, इसलिए इस फंदे को हम सिंपल बुन देंगे और इन दो फंदों से डिब्बी बनाएंगे। आगे उसी प्रकार से चलेगा। ये देखिए दो फंदे और ऊपर से इसको गिरा देंगे। अब टू फंदे ये सिंपल, अब फिर टू फंदे लेंगे और आगे से एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और दो फंदे सीधे बुने और इस फंदे को ऊपर से गिरा दीजिए। दो फंदे सिंपल और दो फंदे बांध कर ले लें। ये देखिए ये दो फंदे सिंपल और दो फंदे के आगे से एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे और इन दोनों को बांध देंगे ऐसे। अब इसके आगे भी हमारे फंदे इसी प्रकार सिंपल बनाए जाएंगे। यहाँ पर भी हमारी डिब्बी पूरा नहीं बनेगी क्योंकि दो फंदे हमने यहाँ पर ये बुन लीजिए तो एक फंदा यहाँ पर बचता है और एक फंदे से डिब्बी कवर नहीं होती, इसलिए हम ये थ्री फंदे सिंपल बुन देंगे। ये फाइव फंदे पट्टी के बनाएंगे ऐसे। ये देखिए अब रॉन्ग साइड से फिर से उसी प्रकार चेंज कर देंगे। ये दो फंदे सीधे बुनकर इस तीसरे फंदे के साथ इस फंदे को चेंज करें। ये फाइव फंदे उल्टा बुनेंगे, ये टू फंदे यहाँ पर सीधा बुनेंगे ऐसे सिंपल, और ये थर्ड वाला फंदा जो है इसको चेंज करेंगे, इस डिब्बी के साथ इस फंदे को चेंज करेंगे, इसको आगे की साइड से ले लें वैसे ही जैसे पहले किया था और इसको पीछे से। ये देखिए और अब इसको यहां से ले लेंगे और इसको बाद में ले लेंगे। पूरी सिलाई इसी प्रकार से बनानी है, इसको इधर लेंगे और इसको घुमाकर इधर ले लेंगे। ये बहुत सुंदर डिजाइन बनकर आता है और बच्चों के स्वेटर में तो बहुत ही प्यारा लगता है।
इस प्रकार से बनाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए।